एक सवाल सर, इससे अलग शिक्षक भर्ती को लेकर भी करेंगे कि अभी हाल ही में 17,000 पदों की एक भर्ती का आप लोगों ने ऐलान किया जो पद खाली थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था, आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है उसमें कुछ हजार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है, अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें से किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे, और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000 जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। सर, आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है, इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपकी आवाज़ का भी घेरा हुआ, लाठियाँ भी चली, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परम्यूटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को कि गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी? निश्चित रूप से, अगर और पहले ये बात आ गई होती जानकारी में तो इतना लंबा नहीं खींचता, और पहले ही ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है, और पहली ऐसी सरकार है जो अगर कहीं कोई समाज के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहीं किसी कमी की ओर इशारा किया जाता है तो हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हुए उसमें सुधारने की मनस्थिति में भी रहते हैं।